नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं आप लोग अपना बेहद खास कार्यक्रम आयुष्मान भव मैं हूं आपके साथ आपका फ्रेंड संतोष संतोषी दिनांक इकतीस अक्टूबर को पैदा हुए लोगों के लिए पूरा वर्ष कैसा बीतेगा अर्थात तो वर्षफल लेकर के हाजिर हूं मैं बात करेंगे आज के रेवती अश्विनी और भरणी दो नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा के संचरण की कार्तिक माह का आरंभ हो रहा आज रात आठ बजकर सत्तावन मिनट के आसपास से लगभग बेहतरीन माह होता है कार्तिक और आज आपका जन्मदिन भी है सबसे पहले आप सबको शुभकामनाएं बधाइयां हमारी तरफ से बहुत सारा लार दुलार और प्यार मित्रों आज अगर आप जन्मदिन पा रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं राहु आपके लिए बहुत मजबूती प्रदान करता है राहु आपके लिए एक अलग तरह की ऊंचाई प्रदान करता है राहु आपका है आइए शुरुआत आज के कार्यक्रम की करते हैं बात करेंगे उनकी भी जो 31 अक्टूबर को ब्याहे गए हैं अर्थात जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है लेकिन पहले पैदा हुए लोगों की पूरे वर्षफल की कहानी शिक्षा अगर आप 31 अक्टूबर को पैदा हुए हैं तो पढ़ाई के लिए आपको अवसर नहीं तलाशने होंगे नवंबर, दिसंबर दोनों महीने में खूब मन लगाने वाले हैं आप हर प्रकार से बैलेंस बना रहेगा नवंबर दिसंबर महीने में मन भी लगेगा और तैयारी भी होगी बोर्ड के एग्जाम की आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है बस बैलेंस बनाए रखेगा शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन में मार्च अप्रैल कहीं बाहर एडमिशन के लिए अनुकूलता देगा मई जून में पैसे को लेकर के शिक्षा प्रभावित होगी जुलाई अगस्त किसी दोस्ती या ब्रेकअप की वजह से मुश्किलें आएंगी सितंबर अक्टूबर अनुकूलता ले आएगा खूब मन लगेगा बात करते हैं व्यापार की तो बिजनेस के लिए एक अलग तरह के अवसर में आप आ जाएंगे व्यापार को लेकर के आप बहुत बैलेंस्ड रहेंगे व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी व्यापार में किसी बड़ी स्थिति में भी आप आ रहे हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए एक बड़ा अवसर मिलेगा हो सकता है दिसंबर जनवरी में कहीं से कुछ निवेशक आपको मिल जाए फरवरी मार्च आपके लिए बड़े रिस्क की तरफ इशारा करता है अप्रैल और मई में वाहन या जमीन में निवेश कर सकते हैं बिजनेस के नाम से जुलाई अगस्त और सितंबर तीन महीना किसी को बिजनेस के लिए धन न दीजिएगा अन्यथा यह पैसा आपका फंसने वाला है अक्टूबर महीने में स्वास्थ्य के कारण भी आपका व्यापार प्रभावित हो सकता है पार्टनरशिप मार्च और जून में टूट सकती है प्राइवेट सेक्टर नौकरी अच्छी चलेगी नौकरी में कोई रुकावट नहीं आएगी खूब अच्छे रूप से आप नौकरी को आगे लेकर जा रहे हैं नौकरी में कुछ बड़ा भी करने का प्रयास जनवरी और फरवरी में होगा नौकरी जनवरी मार्च अप्रैल आपके प्राइवेट सेक्टर में किसी के द्वारा कुछ कानाफूसी और सेंध की वजह से आपको परेशानी होगी जुलाई अगस्त ये आपके लिए अनुकूलता ले आएगा प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन हो सकता है सितंबर अक्टूबर कहीं विदेश आदि जाने की भी संभावनाएं बनती हैं सरकारी क्षेत्र दिसंबर जनवरी और मार्च तीन महीना प्रमोशन के लिए समझिए कि आपके भाग्य से मिलने जा रहा है जून जुलाई आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा किसी महिला अधिकारी की वजह से कुछ दिक्कतें आपको बढ़ने वाली हैं अगस्त सितंबर आपके लिए बहुत अच्छा है हर प्रकार की शुभता और सकारात्मकता आपके साथ बनी रहेगी अक्टूबर नवंबर में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं अक्टूबर नवंबर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है 2021। नवंबर तो खैर फिर बता देंगे दाम्पत्य जीवन के मामले में थोड़ी सी चर्चा में करूं समरी के रूप में एक मिनट में तो निभा ले जाएंगे किन महीनों में आपको मैरिड लाइफ को लेकर सतर्क रहना होगा नंबर एक फरवरी नंबर दो अप्रैल फिर अगस्त और अक्टूबर फरवरी अप्रैल अगस्त अक्टूबर चार महीना आपके लिए मैरिड लाइफ को लेकर के सावधान रहने का है जिससे आपके लिए किसी तरह की मुश्किल ना आने पाए बात कर लें अगर हम दांपत्य जीवन की तो उसमें बहुत बैलेंस्ड आप रहेंगे पत्नी के साथ रिश्ते को मधुर करने के हर प्रयास सफल होंगे आपके जो पुरानी समस्याएं थीं अदावतें थीं दिक्कतें थीं संतान को लेकर के ससुराल को लेकर के अप्रैल महीना मुँह मांगा है अठारह अप्रैल के बाद आप कभी भी मंगल शनि दो दिन छोड़ करके मीटिंग करके रिश्ते को मधुर कर सकते हैं कोई पुरानी समस्या अगर आपके साथ जुड़ी थी तो उसका भी निवारण और निस्तारण हो ही जाएगा आपको क्यों परेशान होना थोड़ी बहुत स्थिति आपके लिए एक सजगता वाली है एक सहजता वाली है अपने आप को संभालिएगा प्रयोग क्या करना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे ध्यान दीजिएगा दाम्पत्य जीवन में संतान का सुख भी मिल सकता है लगभग मेरे ख्याल से अगस्त अक्टूबर डेट है क्या शुभ होगा लव लाइफ के मामले में कुछ टफ सिचुएशन है लव लाइफ कहीं से भी अनुकूल नहीं है इसमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आप अपने आप को संभालिएगा तौर पर महीना बता दूं तो दिसंबर लास्ट 2020, फिर फरवरी वैलेंटाइन वीक से लेकर 21 तारीख तक और फिर सितंबर अक्टूबर 2021. इन बिटवीन अगर आप सिंगल हैं तो मार्च और जून ये दो महीना आपको अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं शादी की चर्चा के लिए भी मार्च और जून महीने का ही इंतजार करिएगा बात करें अब स्वास्थ्य की तो पेट आँख से शुरू होकर के किडनी लीवर तक समस्याएं जा रही हैं स्किन प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो स्किन में भी आपको कुछ न कुछ दिक्कत और परेशानी आ सकती है उपाय के तौर पर आप नोट कर लीजिएगा तीन लोगों को कपड़े का दान करके किसी जरूरतमंद को कुछ खाने को दे दीजिएगा यह आपके लिए सबसे ज़्यादा सकारात्मक और शुभ प्रयोग होगा दो लोगों को कुछ दवा का दान करके किसी बच्चे की शिक्षा में मदद करना यह उनके लिए है जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है आप दोनों को एक बार फिर से आपके एस्टो फ्रेंड की तरफ से शुभकामनाएं और बधाइयां आप प्रसन्न रहें हंसते रहें घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की सुविधा भी लेते रहें अनुमत चाहेंगे नमस्कार